नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। आज 27 अप्रैल शनिवार को फिरोजाबाद तिलक इंटर कॉलेज पहुंचे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। हजारों की संख्या में महिला पुरुषों सहित जिले भर के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने भी सभा को किया संबोधित। इस दौरान बता दें कि बसपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक टूंडला राकेश बाबू एडवोकेट सहित उनके बेटे ने थामा भाजपा का दामन। कई वर्ष कांग्रेस की राजनीति करने वाले हरिशंकर तिवारी ने अपने कई समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा नेता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के ठाकुर विश्वजीत सिंह के पूर्व पड़ते थे और समाजवादी पार्टी तो दो कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का उचित प्रयास किया था। वातावरण बनने दो, कार्य करने दो, भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 4 वर्ष से लगातार मिलना, मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय क्या होता, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। क्या इसमें किसी की जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? अरे वो भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास के साथ जब सरकार कार्य करती है, सही लोकतंत्र को मजबूत करती है, और यही राम राज्य की अवधारणा भी है। बहनों भाइयों, यही राम राज्य की अवधारणा है। आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, या बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ेगी। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का, और समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ रही है 63 सीटों का। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़ करके क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी क्या? तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 445 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, क्या मानते हैं मुख्यमंत्री जी? जो यदा कब बना है इस इतिहास में, इतिहास को दोहरा रहा है, और कॉलेज का मैदान है ये इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के नेता माननीय मोदी जी और विश्व प्रसिद्ध नेता की लोकप्रियता का प्रमाण है, और ये लोकप्रियता ही जीत का इतिहास लिखने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है।
आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लोगों के आ रहे हैं और कैसे निस्तारण उनका करेंगे? इसमें ही पैदा हुआ हूँ, लोगों के बीच में ही पड़ा है और मुझे यहाँ के सारे समस्याओं की बस मैं तो सिर्फ ये काम करने वाला हूँ। ताकत मुझे मिली, ताकत